एक फैसला मैं सबकी रजामंदी से करना चाहता हूं। आप अपनी अपनी रसोई अलग कर लें। किसी को एतराज है? हाँ, मुझे है। मैं इस घर में दो चूल्हे जलाने के हक में नहीं हूं। कमला, जिद ना करो। अगर तुम इन सब की मां हो तो मैं भी इनका बाप हूं, और कोई बाप औलाद का दुश्मन नहीं होता। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर पूछने की क्या जरूरत? जब मैंने मनप्रीत और तृप्ता को हॉस्टल में भर्ती कराया था तब भी तुमने इसी तरह विरोध किया था। यस, मैं अंदर आ सकती हूँ? प्लीज कम। प्रिंसिपल साहब, इन दोनों बच्चों को हॉस्टल में दाखिल करवाना है। बैठिए। आप दोनों भाई बहन हैं? जी हाँ। ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, आपका नाम क्या है? मनप्रीत सिंह। और आपका? तृप्ता। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? खालसा हाई स्कूल। कौन सी क्लास में? थर्ड बी। और आप? सेकंड सी। अच्छा, तो बच्चों अब तो आपको यही रहना होगा। जी हाँ। जी, आप ये फॉर्म भरने के बाद फीस काउंटर पर जमा करवा दीजिएगा। चलो बच्चों। मनप्रीत और तृप्ता को हॉस्टल में डालना जरूरी था। अगर घर में रहते तो नीना और अनिल के साथ रोज का झगड़ा झंझट ये मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होता। तुम समझने की कोशिश करो कमला। देखो, इसी में बच्चों की बेहतरी है। तुम मुझे समझने की कोशिश करो कमला। मुझे इस तरह कमजोर मत करो। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं सखावत को दिया वादा कैसे पूरा कर सकूंगा? अगर मैं उस वक्त तुम्हारी ममता का फैसला मान लेता तो आज इन चारों में ये एकता, ये प्यार नहीं होता। मैं चन्नी और तेजी को भी आदर्श भारतवासी बनाना चाहता। आप तो खामखा में बात को पकड़ कर बैठ गए। जो खेलेंगे वो लड़ेंगे भी। अभी ना समझ है, बड़े होंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। बच्चों, अब तुम ही अपनी माँ को समझाओ। और मैं ना तो किसी को घर से निकाल रहा हूं और ना दिल से, और फिर रो क्यों रही है? सुन कमला, हम दोनों इस बगिया के माली हैं। अगर कोई टेढ़ी टहनी को हम शुरू से ही सीधा नहीं करेंगे तो बड़ी होकर टेढ़ी की टेढ़ी रह जाएगी। फिर ये दोनों बरसरे रोजगार हैं, इन्हें अपने पांव पर खड़े होने का मौका मिलना चाहिए। हाँ तो ठीक है, बेशक इन दोनों को अलग कर दो, लेकिन उन बच्चों को मुझसे दूर मत करो। मैं उनके बगैर नहीं रह सकूंगी। अब तो तुम्हारी औलाद भी तुम पर हंस दी है। भाई देखो, रसोइयां अलग होने से ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी कम होगी और ना तुम्हारी इज्जत में कमी आएगी। पहले तुम बोलो मनप्रीत। एक लिहाज से तारजी ठीक कहते मामा। और तुम क्या कहते हो अनिल और नीना? दारजी, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनकार तो हम भी नहीं कर सकते। हेलो, अब तुम भी हाँ कर दो। ठीक है, जब ये लोग तैयार हैं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं।
तेजी सो जा बेटे, चन्नी कब का सो गया, कल स्कूल भी तो जाना है। एक कहानी सुनाओ ना फिर। नहीं, सिर्फ एक कहानी। सुनो, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाती हूँ। हाँ, सोहन और मोहन दो मित्र थे, इकट्ठा पढ़ते थे, इकट्ठा खेलते थे और पास पास ही रहा करते थे। एक दिन दोनों सैर को निकल गए और जंगल में पहुंच गए। वहाँ पेड़ पर उछलते कूदते बंदर, वर्षा में नाचते मोर। चलते चलते दोनों इतना आगे बढ़ गए कि घने जंगल में पहुंच गए। वहाँ जानवर भी होंगे दादी? हाँ, शेर थे, चीते, भेड़िये, भालू सभी थे। उन्हें डर नहीं लगा दादी? क्यों नहीं, खूनी जानवरों से तो सभी डरते हैं। मैं तो नहीं डरता। अच्छा, तो फिर कहानी सुनो। घूमते घूमते उन दोनों को बहुत देर हो गई। दोनों को जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। दोनों रास्ता भूल गए थे और तभी एक झाड़ी के पीछे उन्हें भालू दिखाई दिया। भालू? हाँ, जिसे रीछ कहते हैं। फिर क्या हुआ? फिर मोहन तो पेड़ पर चढ़ गया और सोहन अपनी सांस रोककर धरती पर लेट गया। वो क्यों दादी? उसने अपने दादा से सुन रखा था कि भालू मुर्दे को नहीं खाता। अच्छा। तब मोहन पेड़ से उतरा और उसने सोहन से पूछा, मित्र, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तो जानते हो सोहन ने क्या जवाब दिया? क्या? उसने कहा कि भालू उसके कान में ये कह रहा था कि जो मित्र मुसीबत में साथ छोड़कर भाग जाए उसे मित्र मत समझो। हाँ, चलो स्कूल आ गया। चन्नी तेजी, उतरो उतरो उतरो। ऐसे चलो, शाम को फिर लेने आऊंगी। चलो अच्छे बच्चे, तेजी चलो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटे। चन्नी देखो कितना बीबा है, तुम भी चंगे बच्चों की तरह स्कूल जाओ। अगर तुम स्कूल जाओगे तो वहाँ टीचर मिलेंगी, है ना, अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे अच्छे खिलौने मिलेंगे। बेटे, अगर तुम स्कूल जाओगे तो दार्जी खुश होंगे, मनप्रीत खुश होगा, नीना खुश होगी। आप मुझे लेने आओगे ना? क्यों नहीं, तुम तो मेरी जान हो। जाओ।
वैकुंठ का ध्यान रखना जी, इन फूलों को मुरझाने न देना। घड़ी भी आपसे जीत गई दार जी। हाँ, सुबह आंख देर से खुली। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना आपकी दार जी? कल रात इन बिगड़ते हुए हालातों की उधेड़ बुन में करवटें बदलता रहा। आप ज्यादा ना सोचा करें दार जी। कैसे मैं सोचूं बेटे, जैसा मौसम होता है स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। सुना नहीं, जैसे हालात वैसे ही ख्यालात। नाश्ता तो ठीक से कीजिए दार जी। मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूं। दूध तो पी लीजिए दार जी। तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की ही बेटी हो। दूध पीजिए। सत श्री अकाल दार जी। सत श्री अकाल। ये आपकी मनपसंद खीर बनाकर लाई हूँ दार जी, खाइए ना। नहीं बच्ची, आज तो खाने की भी फुर्सत नहीं है, रख दो, मैं दोपहर के बाद खा लूँ। अच्छा। बच्चों, आजकल चन्नी और तेजी दिखाई नहीं देते, कहाँ रहते हैं? जी दारजी, वो उनके कॉलेज में एक फंक्शन चल रहा है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ दारजी, वो रोज सुबह कॉलेज चले जाते हैं और शाम को देर से लौटते हैं। उन दोनों को समझाओ बेटी, पहले पढ़ाई बाद में कुछ और। और वैसे भी आजकल बाहर बड़ी गर्म हवा चल रही है, उन पर कड़ी नजर रखो, जवानी जल्द भटकती है जल्द बहकती है। जी दार जी। ठीक। शुक्र है वाहेगुरु जी का, दार जी को शक नहीं हुआ। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए, हर वक्त एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार रहते हैं। नीना, अगर मनप्रीत भैया दौरे पर ना गए होते तो हमें इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। परेशानी तो इस बात की है भाभी कि कहीं दारजी को पता ना चल जाए। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम, बैठो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आज ते बड़ा इंतजार करवाया। तो पहले आप ही का ब्लड प्रेशर चेक कर लूं, आइए। कमाल है, पहले मेरा क्यों? आप मसरूफ नेता जो ठहरे, वक्त की कमी होती है ना जी। इसको ही बुला लो आप, मैं तो वक्त निकाल के आया हूं। हाँ भाई, तू आ जा।
जाओ ए लाले जा जा। डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द है। रात को क्या खाया था? डॉक्टर साहब रात को तो कुछ भी नहीं खाया। क्यों? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, पैसे नहीं थे। खाने के लिए पैसे नहीं हैं, दवा के लिए हैं। पहले जाके कुछ खा लो, अब फिर भी दर्द हो तो चले आ। अच्छा डॉक्टर साहब। आइए क्या नहीं जी। वाहेगुरु अजी, रहन दो। आपको तो सतयुग में होना चाहिए था। मैं भी उसी कलगीधर गुरु गोविंद सिंह का सेवक हूं, और फिर हिंदू तो हमारे भाई हैं। हिंदू और सिखों में फर्क कैसे हो सकता है? आपके लिए हिंदू और सिख में कोई फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी बहू हिंदू और आपका दामाद भी हिंदू। आप तो सुख चैन से रह रहे हैं। याद रखना डॉक्टर, वो दिन दूर नहीं है जब ये आग तुम्हारा वैकुंठ जलाकर राख कर देगी। सत श्री अकाल। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब। खुशी राम दीजिए। वकील साहब संभालिए अपने मुवक्किल को। ये मेरा मुवक्किल नहीं, मेरा भांजा है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब ना मैं किसी का भाई हूं और ना भांजा। अच्छा, तो ताला खुलते ही जबान भी खुल गई। ये कॉलेज नहीं पुलिस स्टेशन है, समझे? चलो तेजी घर चले। नहीं, अब मैं घर नहीं चलूंगा। आप ये घर में नहीं बल्कि बड़े घर में रहना चाहता है। पहले कॉलेज में मारपीट करके यहां पहुंचा, और अब अगर यहां गड़बड़ की तो उल्टा लटका दूंगा, समझे? वकील साहब इसे यहां से ले जाइए, वरना हो सकता है कि इसकी जमानत कैंसिल करके मैं इसे फिर से अंदर बंद कर दूं। चलो दीजिए बाहर तो चलो। आपने मेरी जमानत क्यों कराई? घर जाकर तुम्हें अपने आप पता चल रहा है। मैंने कहा ना मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों, हवालात की कोठरी इतनी पसंद आ गई? मामा जी आप क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? बस बहुत हो चुका बचपना। बेवकूफ लड़की, कुछ करने से पहले इतना तो सोच लिया होता कि हम लोगों के साथ डॉक्टर गुरुनाम जैसे महापुरुष का नाम भी जुड़ा है। हमारी जरा सी भूल उनकी साख और इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। इज्जत, इज्जत तो पहले से मिट्टी में मिल चुकी है। जैसे सांप और न्योला एक बिल में नहीं रह सकते, वैसे मैं और चन्नी भी अब एक घर में नहीं रह सकते। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? ये घर जाके चन्नी से पूछिए। उसने पहले स्टूडेंट्स को भड़काया, उसके बाद पुलिस को टेलीफोन करके मुझे गिरफ्तार करवाया। सतेश सिंह, चलो चलो। आप चलिए, मैं बाद में आ रहा हूं। सतेश सिंह जिंदाबाद, सतेश सिंह जिंदाबाद, सतेश सिंह जिंदाबाद। नहीं नहीं, ये जरूर किसी की शरारत है। हाथापाई तो हर जवान लड़का करता है, लेकिन हम इसे बलवा नहीं कहते। और अगर ये बलवा है तो दूसरा लड़का क्यों नहीं कोई गिरफ्तार किया गया? वीर जी, मैंने सुना है तेजी ने ही तमाम लड़कों से कहा था कि वो अपनी नंगी कृपाणें लेकर हमला कर दे। नहीं नहीं भाभी, तेजी भला ऐसे क्यों कहने लगा? और उसके पास कौन सी ऐसी कृपाण है? मुझसे तो यही कहा गया है। तुमसे ही किसने कहा? चन्नी ने। उस वक्त वो वहीं था जब तमाम लड़के अपनी नंगी कृपाण लेकर हमला करने वाले थे कि इतने में पुलिस आ गई। बाकी सारे लड़के तो भाग गए, मगर तेजी पकड़ा गया। कहीं दार्जी को तो नहीं पता चल गया? नहीं,
दारजी से ये बात हमने कैसे छुपाई है ये तो हम ही जानते हैं। लोग हमें परिवार की मिसाल दिया करते थे लेकिन आज अपने ही बेटे ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। क्या हुआ अनिल, जमानत नहीं हुई क्या? जमानत तो हो गई लेकिन वो मेरे साथ नहीं आया। क्यों? दिमाग खराब हो गया इन जवान लड़कों का। पहले उस मूर्ख को जोश दिलाकर मुजरिम बना दिया, अब उसके गले में माला डालकर उसके नाम के नारे लगा रहे हैं, नेता बना रहे हैं उसे। क्या कह रहे हो भैया? चन्नी कहाँ है? अपने कमरे में। क्यों? वो भी इस गंदी होली में शामिल है। एकता का अर्थ समझो, संगठन की शक्ति पहचानो और अपने आप को निर्बल मत समझो। बताओ क्या तेजी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को फोन तुमने किया था? पापा वो पापा 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 मुझे दारजी के चरणों की सौगंध, मैंने पुलिस को फोन नहीं किया था। तुम लोग कॉलेज में पढ़ने जाते हो या अपने भाइयों के खिलाफ जहर घोलने? अंकल जब वो लड़के हाथों में नंगी कृपाणी लिए हर रोज हमें ललकाते हैं तो बुजदिलों की तरह हम चुप तो नहीं बैठ सकते। लेकिन उनकी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है? वो कहते हैं कि अपनी धरती पर नहीं रहने देंगे। ये धरती, ये देश किसी एक का नहीं है, हम सबका है और हम सबको यहाँ पर रहने का अधिकार है। मैं पूछती हूँ ये उल्टी सीधी बातें इन लोगों को सिखाता कौन है? यानी अमरीक सिंह और तुम लड़कों को तीरथ राम। मैं उन दोनों के खिलाफ दावा करूंगा। पापा आप मेरी बात मानिए, सिर्फ ज्ञानी अमरीक सिंह को गिरफ्तार करवा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम भी सुनो, तुम आज के बाद तीरथ राम को नहीं मिलोगे। ठीक है मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन आप भी तेजी को समझा दीजिए कि वो ज्ञानी के अड्डे पर जाना छोड़ दे। वो इस सख्त है किधर? वही यानी अमरीक सिंह के अड्डे पर। जी मैं मनप्रीत हूँ। क्या काम है? मुझे तेजिंदर सिंह से मिलना। क्यों? मैं उसका फादर हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, प्लीज जरा उसे बुला दीजिए। लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम तुझे घर ले जाने के लिए आए हैं। चलो बैठो गाड़ी में। नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों? घर जाते तुझे शर्म आती है? कदम उठाने से पहले सोचा होता। देखो बेटे डरो नहीं, दारजी को भी कुछ मालूम नहीं हुआ है। मैं निर्भय हूँ, मैं किसी से नहीं डरता और जब तक आप और चन्नी घर पे है मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। ये किसी एक का घर नहीं, हम सब का घर है। अगर दारजी, दारजी अगर जरा सा इशारा कर दे तो हम अभी इस घर से निकल जाएंगे। दारजी तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। ऐसी बोली तो ज्ञानी अमरीक सिंह के तोते ही बोल सकते हैं। अगर उसे हमसे इतनी ही नफरत है तो वो खुद क्यों नहीं चला जाता? बच्चे वो भी क्यों जाए, जैसे हम आज तक प्यार मोहब्बत से रहते आए इसी तरह वो भी रहे। मैंने आज तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अगर मुझे पता होता ये अनहोनी होने वाला। नीना मेरे पेशे में कोई अनहोनी बात नहीं, मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है अनिल? हम वक्ती तौर पर यहां से चले जाएं। ये तू क्या कह रहे अनिल? अगर जवान बेटा भी तो नहीं गवाया जा सकता, उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी और ये परिवार भी टूटने से बच जाएगा। नहीं ये हरगिज नहीं हो सकता। ये कार मेरा है,
अपनी औलाद का है। मैं जीते जी अपने कार में या अपनी औलाद में कोई दीवार नहीं बनने दूंगा। ये बताओ कि मेरे ही कार में ये हिंदू सिख का सवाल किसने उठाया? किसी ने नहीं दारजी। दारजी, हम तो सिर्फ बच्चे की जिद की वजह से वक्ती तौर पर ऐसा करने की सोच रहे हैं। ये सोच जहरीली है, ये मशवरा खूनी है। याद रखो, जो माँ बाप अपने बच्चों की नाजायज जिद पूरी करते हैं वो जिल्लत की मौत मरते हैं। दारजी, हम भी यही। चुप रहो, तुम सब लोग पढ़े लिखे मूर्ख नहीं जानते कि क्या कर रहे हो। हम तो वैसे ही रंगों, नस्लों, सूबों और बोलियों में पड़ चुके हैं। अब हमें न और बंटवारे की गुंजाइश है न हिम्मत। देखिएगा जी, पता नहीं, पता नहीं है। बाप हो के तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी औलाद कहां है? शिवावर मोहे ए शुभ कर मंत कभू न डरूं, न डरूं अरसू जब चाहे लड़ू, निश्चय कर अपनी जीत करूं। अर सिख हूं अपने ही मन को, वह लालच सौगुण तो अचरूं, जब आओ की अगत नादान अत हीरन में तब जूझ मरूं। आज भी दार्जी ने कुछ नहीं खाया। तेजी की जिद, बदतमीजी और गुमराही ने परेशान कर रखा। इन मूर्खों ने पूरे घर का चैन हराम कर दिया है। मुझे तो यह खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का संकेत दे रही है। तो इस बैकुंठ का नसीब भी सो जाएगा। तुम अपने कमरे की बत्तियां बंद कर दो ताकि वो अंदर का कुछ ना देख सके और हम उनकी हरकत पर नजर रख सके। लेकिन दाजी, तुम जाओ ना, जल्दी जाओ। गहरा जख्म है।
डॉक्टर, मुझे बचाने की कोशिश मत करो। मैं ये मनोसूर से नहीं देखना चाहता। आज इन्हें अपनी औलाद कहते हुए मुझे शर्म आ रही। इन्होंने मेरी उम्र भर की तपस्या पर मानी फेर दिया। अच्छा हुआ कमला तू ये सब देखने से पहले ही चली। अब बता ऊपर आकर मैं तुझे क्या मुंह दिखाऊं, कैसे बताऊंगा तुझे कि तेरे इस गुलशन के फूल कांटे और ऊत कबूत हो गए। क्या हो गया? मैं तो आज तक दोस्ती की मर्यादा ही निभाता रहा, आज मेरी अपनी औलाद सब मान मर्यादा भूल कर अपनी ही खून के दुश्मन हो गए। काश लोगों ने मेरे और सखावत के रिश्ते से कुछ सीखा होता। वो मुसलमान होकर मुझे अपना भाई मानता और तुम लोग भाई भाई होकर भी सिवाय सिख और हिंदू के कुछ ना हो सके। नलायक हो, गलती किससे नहीं होती, लेकिन गलती को न मानना सबसे बड़ी गलती है। हमें माफ कर दीजिए दारजी, हमें इन चरणों की सौगंध, हम आज के बाद कभी नहीं लड़ेंगे, हम सदा भाई बन के रहेंगे दारजी। ये बैकुंठ तुम्हारे हवाले करता हूं। इस बैकुंठ को बैकुंठी बना के रखना।